दोस्तों, हिंदुस्तान में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने की थी, लेकिन मुग़ल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अकबर को माना जाता है, ऐसा लेन पुल कहते हैं। 15 अक्टूबर 1542 अकबर का जन्म अमरकोट सिंध पाकिस्तान के राजा विरसाल राणा के महल में हुआ। अकबर के पिता का नाम हुमायूं और माता का नाम हमीदा बानू बेगम था। 14 फरवरी 1556 कलानौर पंजाब में बैरम खान ने अकबर का राज्यारोहण किया। 17 फरवरी 1556 दिल्ली में अकबर का राज्याभिषेक हुआ। इस समय अकबर की आयु मात्र 13 वर्ष व 4 माह थी। उसने शहंशाह की उपाधि धारण की। अकबर निरक्षर था। दानियाल मुराद अकबर के ये दोनों पुत्र अत्यधिक मदिरापान के कारण युवावस्था में मर गए। खानम सुल्तान शुकरुन्निसा बेगम आराम बानो बेगम अकबर की 3 पुत्रियां थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को लड़ा गया था। हेमू अफगान शासक मोहम्मद आदिल शाह का प्रधानमंत्री व अकबर का सबसे प्रमुख प्रतिद्वंदी मेवात के रेवाड़ी स्थान पर वैश्य परिवार में जन्म हुआ। हेमू ने अपने जीवन काल में कुल 24 युद्ध लड़े, जिसमें से उसे 22 में सफलता हासिल हुई। इसने आगरा के मुग़ल हाकिम सिकंदर खां तथा दिल्ली के मुग़ल प्रशासक सूबेदार तारदी बेगम बेग खां को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। राजा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यह उपाधि धारण करने वाला हेमू भारत का 14वां शासक था। यह मध्ययुगीन भारत का पहला और अंतिम हिंदू व्यक्ति था जो अपनी शक्ति, योग्यता, महत्वाकांक्षा और अपूर्व पराक्रम के बल पर दिल्ली के राज सिंहासन पर आरूढ़ होने में सफल रहा। यह युद्ध दिल्ली के वीर हिंदू सेनानायक हेमचंद, हेमू और अकबर की मुगल सेना के मध्य हुआ। अकबर ने बैरम खां के सहयोग से हेमू को पराजित कर गाजी की उपाधि धारण की। पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू की पराजय का एक प्रमुख कारण अकबर के तोपखाने की आवाज़ से भयभीत होकर हेमू के स्वयं के हाथियों द्वारा उसकी आधी सेना को नष्ट कर देना व हेमू की आंख में तीर का लगना था। इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार आरिफ कंदहारी था। बैरम खां पर्शिया फारस निवासी सिया सैफ अली का पुत्र था। बैरम खां ने हुमायूं तथा अकबर की पूर्ण स्वामी भक्ति से सेवा की। बैरम खां का संरक्षण काल 1556 से 1560 ईस्वी तक था। बैरम खां अकबर के राज्यकाल के प्रथम 4 वर्षों में वकील उस सल्तनत के पद पर नियुक्त अधिकारी था। पाटन गुजरात के इस स्थान पर बैरम खां की मक्का यात्रा के समय जनवरी 1561 ईस्वी में अफगान मुबारक खां द्वारा हत्या की गई। सलीमा बेगम बैरम खां की विधवा अकबर ने इससे विवाह किया। अब्दुल रहीम खान खाना बैरम खां का पुत्र था। पेटीकोट अतका खेल शासन बैरम खां के पतन के बाद लगभग 2 वर्ष 1560 से 62 तक अकबर ने अपने निम्न संबंधियों तथा हरम की स्त्रियों के प्रभाव में रहा। पहला धाय माँ माहम अनगा, दूसरा आधम खां माहम अनगा का पुत्र, तीसरा जीजी अनगा, चौथा मुनीम अनगा, पांचवा शिहाबुद्दीन अहमद खां मालवा। 1561 मालवा की राजधानी सारंगपुर थी। अकबर के राज्य विस्तार की प्रक्रिया 1561 में मालवा विजय से आरंभ हुई। मालवा पर अफगान शासक बाज बहादुर का शासन था। मालवा अभियान के लिए आधम खां के नेतृत्व में सेना भेजी गई। अकबर ने मालवा के शासक बाज बहादुर को पराजित किया। रूपमती बाज बहादुर की प्रेमिका ने आत्महत्या की। बाज बहादुर व रूपमती की मजार उज्जैन में है। गोंडवाना 1564 रानी दुर्गावती गोंडवाना की शासिका थी। इन्होंने अपने पति दलपत शाह की मृत्यु के बाद अपने पुत्र वीर नारायण को सिंहासन पर बैठाकर उसके संरक्षक के रूप में स्वयं शासन करना प्रारंभ किया। उनके राज्य का नाम गढ़मंडला था, जिसका केंद्र जबलपुर था। मुगल शासक अकबर ने रानी के प्रिय सफ़ेद हाथी सरमन और उनके विश्वस्त वजीर आधार सिंह को भेंट के रूप में अपने पास भेजने को कहा। रानी ने यह मांग ठुकरा दी। इस पर अकबर ने अपने आसफ खां के नेतृत्व में 24 जून 1564 गोंडवाना पर हमला कर दिया। दुर्गावती पराजित हुई। जबलपुर के पास
यह ऐतिहासिक युद्ध हुआ उस स्थान का नाम बरेला है जो मंडला रोड पर स्थित है। वही रानी की समाधि बनी जहाँ गोंड जनजाति के लोग जाकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान ने दुर्गावती के लिए कहा है, चंदेलों की बेटी थी, गोंडवाने की रानी थी, चंडी थी रणचंडी थी, वह दुर्गावती भवानी थी। दोस्तों, अकबर के संक्षिप्त इतिहास जानने के बाद हम उनके दरबार के नवरत्नों को भी जान लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर आते थे बीरबल, जिनका पूरा नाम महेश दास था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में स्थित कालपी में हुआ। बचपन का नाम महेश दास था। इन्हें कवि राज कवि प्रिय राजा की उपाधि अकबर ने प्रदान की। अकबर के नवरत्नों में सर्वाधिक प्रसिद्ध बीरबल हैं। अकबर ने सूर्य की उपासना बीरबल के ही प्रभाव में आकर शुरू की थी। 1585-86 ईस्वी में अफगान बलूचियों के विरुद्ध लड़ते हुए इनका निधन हुआ। बीरबल श्री ब्रह्म के नाम से कविताएं लिखते थे। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पर बीरबल का लेख मिलता है। दूसरा, अबुल फजल। जी हाँ, अबुल फजल भी उनके नवरत्नों में से एक था। इनका जन्म 1585 ईस्वी में नागौर में हुआ। पिता का सूफी शेख मुबारक। ये अकबर के मुख्य सलाहकार एवं सचिव थे। इन्होंने दीन इलाही धर्म को लिपिबद्ध किया। इस धर्म के मुख्य पुरोहित अकबर का जोनाथन कहलाया थे। मुगल युग के सबसे प्रसिद्ध फारसी लेखक माने जाते हैं। इसके अनुसार दीन इलाही को कुल 19 लोगों ने स्वीकार किया था, जिसमें एकमात्र हिंदू बीरबल था। फर्रे इजादी तथा दैवी ज्योतिपुंज अबुल फजल ने बादशाह अकबर को कहा, वीर सिंह देव ओरछा का शासक ने जहांगीर की आज्ञा से आंतरी मध्य प्रदेश के निकट 1602 ईस्वी में अबुल फजल की हत्या कर दी। तीसरे नवरत्नों में से महत्वपूर्ण अब्दुल रहीम खान खाना। इनकी उपाधि थी खान खाना, अपने युग का भोज। उपनाम था इनका रहीम। मकबरा दिल्ली के निजामुद्दीन बस्ती में बैरम खां के पुत्र व प्रसिद्ध विद्वान एवं कवि गुजरात के शासक को पराजित करने के कारण इन्हें अकबर ने खान खाना की उपाधि प्रदान की। पहला मुसलमान कवि जिसने हिंदी में कविताएं लिखी। मुसलमान विद्वानों में हिंदी साहित्य के लिए खान खाना ने सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिंदी रचनाएं दंपत विलास, श्रृंगार सोरठा तथा रास पंचाध्यायी, भरवई छंद, हिंदी के ये छंद खान खाना की देन हैं। वाकायता ए बाबरी अब्दुर रहीम द्वारा तुर्की में रचित तुझके बाबरी का फारसी में अनुवाद। खेट कोतुम अब्दुर रहीम द्वारा संस्कृत में रचित ज्योतिष ग्रंथ। 1526 ईस्वी में रहीम की मृत्यु हुई। तुलसीदास के मित्र थे और उनकी प्रशंसा में रहीम ने लिखा, सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होय, गोद लिए हुलसी फिराए तुलसी सो सुत होय। चौथा और महत्वपूर्ण नवरत्न, मुल्ला दो प्याजा। यह अरब निवासी था, हुमायूं के शासनकाल में भारत आया था। पांचवा नवरत्न, तानसेन। तानसेन का मूल नाम राम तनु पांडे था। इनको उपाधि मिली थी कंठाभरण वाणी विलास। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। तानसेन के गुरु हरिदास जी थे। इन्हें संगीत सम्राट, 12 नवीन रागों का आविष्कारक माना जाता है। ध्रुपद शैली का विकास किया। मियाँ का मल्हार, मियाँ की टोड़ी, रुद्र वीणा, मियाँ की सारंग, दरबारी कान्हड़ा राग के जन्मदाता भी इन्हें माना जाता है। संगीत सम्राट तानसेन की नगरी ग्वालियर के लिए कहावत प्रसिद्ध है कि यहाँ बच्चे रोते हैं तो सुर में और पत्थर लुढ़कते हैं तो ताल में। अबुल फजल के अनुसार तानसेन जैसे संगीतज्ञ पिछले 1000 वर्ष में भी नहीं हुए। छठवें नवरत्न, मानसिंह। उपाधि मिर्जा राजा, फरजंद अर्थात पुत्र। आमेर के राजा भारमल का पौत्र, अकबर का मुख्य सेनापति। मानसिंह के कारण ही अकबर को राणा प्रताप के विरुद्ध सफलता प्राप्त हुई।
सातवें और महत्वपूर्ण नवरत्न टोडरमल, इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। टोडरमल अकबर का अर्थ मंत्री अर्थात लगान संबंधी कार्यों की देखरेख करने वाला मंत्री था। 1582 में प्रधानमंत्री बना। अकबर का दीवाने अशरफ या दीवाने आला राजस्व विभाग का प्रमुख था। अकबर ने 1580 में टोडरमल की सहायता से दहशाला भूमि कर व्यवस्था जाप्ती प्रथा लागू की। अबुल फजल ने टोडरमल को भोला बाबा, सादा लौह परंपरा एवं संकीर्णता का अंधभक्त कहा है, जो अपनी मूर्तियों के खो जाने पर विलाप करता है। आठवें नवरत्न भगवान दास, आमेर के राजा भारमल का पुत्र, अमीर उमरा की उपाधि प्राप्त की, 5000 मनसब प्रदान किए। नौवें नवरत्न फैजी, उपाधि मिली थी इनको मलिक उस सुअरा अर्थात कविराज। ये शेख मुबारक, इनका जन्म नागौर राजस्थान के पुत्र एवं अबुल फजल के बड़े भाई थे। इनका जन्म आगरा में हुआ। खुतबा 22 जून 1579, फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद में अकबर ने फैजी द्वारा लिखित खुतबा पढ़ा। फैजी ने अकबर को उसकी मृत्यु के बाद अर्श आसियानी स्वर्ग में रहने वाला कहा। फैजी ही अकबर का वह नवरत्न था जो कि कवि से दार्शनिक बन गया और अपना नाम फैयाजी कर लिया था। अकबर का कथन बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। यदि मनुष्य अमर होता और एक एक कर न मरता तो सहानुभूतशील हृदयों के विरक्ति की आवश्यकता ही न रह जाती। इस सराय में कोई भी अधिक दिनों तक नहीं रहता, तब क्यों हम लोग असंतोष का दोष अपने ऊपर लें। लेन पुल, इन्होंने कहा अकबर को मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मान लेना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो ज़रूर करें यूनिक आवाज़ को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि ऑल नोटिफिकेशन जो हिस्ट्री और ज्ञान से परिपूर्ण है वो आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।